जिंदगी में आओ, जिंदगी बिताओ, बस यही। I don't think so कि पाकिस्तान आइडल के लिए आप सूटेबल हो। No for पाकिस्तान आइडल। A few moments later। तेरे नाम दा जायका इंज सजना मेरी माँ दे हाथ दे चावरगा। अस्सलाम वालेकुम खातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने मुसलसल मेहनत की लेकिन मुसलसल नाकामियों का सामना किया। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद साल मेहनत करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं जिसे वो समझते हैं कि बस अब यही मेरा मुकद्दर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, अपनी मंजिल को नहीं भूलते और जितनी नाकामियां देखते हैं उतनी ज़्यादा उनकी और हिम्मत बढ़ती है और वो हिम्मत उन्हें एक दिन अपनी मंजिल तक ले जाती है। उस दौरान उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको गलत मशवरे भी देते हैं, ताने भी देते हैं, उनकी बुराइयां भी करते हैं और उनको ये कहते रहते हैं किस काम में लगे हुए, सारी ज़िंदगी नाकामियाँ देखते हुए अब इस काम का पीछा छोड़ दो। लेकिन हिम्मत वाले लोग अपनी मंजिल को नहीं भूलते और ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं और चलते रहते हैं और एक दिन आता है वो कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से आजकल आपने सोशल मीडिया पर स्पेशली टिकटॉक पर एक बहुत ज्यादा गाना सुना होगा, तेरे नादा जायका इंज सजना। तेरे नादा जायका इंज सजना मेरी मां दे हाथ दे चावरगा। निमरा मेहरा को सोशल मीडिया और टीवी पर देख देख कर आप लोग यही समझते होंगे कि यार ये तो अभी आई और इतनी हिट हो गई और इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। निमरा तकरीबन पिछले 15 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और आपको पता है कि 2013 में पाकिस्तान में पहली और आखिरी बार पाकिस्तान आइडल मुनक्किद हुआ था और उसमें उनको देखा गया। वैसे तो पाकिस्तान आइडल 2013 में पाकिस्तान में पहली और आखिरी बार आया था, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि ये वो रियलिटी शो है जो और ममालिक में कई सालों से चलता है और उसके पता नहीं कितने पार्ट्स बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक ही बार ये चला है। आप में से कौन इस बारे में जानता है वो मुझे लाजमी बताए। तो चलते हैं निमरा मेहरा की बाकी जिंदगी के बारे में जानते हैं और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि मुसलसल 15 साल उन्होंने किस किस तरह की मेहनत की और हिम्मत निहारी और आज उनको हर टीवी शो में बुलाया जा रहा है। 10 साल पहले जब इनको पाकिस्तान आइडल में गाने का मौका मिला तो इनके सामने जजेस में शामिल थे अली अजमत, हदीका ज्ञानी और बुशरा अंसारी। इन्होंने ऑडिशन से पहले ये कहा था कि मैं फुल पैकेज हूं, मैं डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, हर तरह की चीज बहुत परफेक्ट करती हूं और इसलिए मैं जरूर सिलेक्ट होंगी। लेकिन निमरा बहरा ने वहां से जाते हुए सारे जजेस को खूब गालियां दी और बुरा भला कहा और कहा कि ये शो मेरे काबिल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि निमरा की उस दौर की आवाज और अब की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो अपने आप को लता जी बनाकर पेश करती थी, मतलब जो उनकी आवाज थी वो बनाकर पेश करती थी, लेकिन वक्त के साथ उनको ये समझ आई कि जब तक मैं अंदर से नहीं गाऊंगी, दिल से नहीं गाऊंगी और अपनी सुरीली आवाज लोगों तक दिल से नहीं पहुंचाऊंगी तो शायद लोगों के दिलों में घर ना कर पाऊं। उस वक्त उनके गाने का अंदाज कुछ यूं था। तुम साया मेरा, जिंदगी में आओ, जिंदगी बिताओ, बस यही। लेकिन अब उनकी अदाओं के साथ साथ उनके गाने का अंदाज भी इतना जबरदस्त है कि हर बंदा जब उनको देखता है, उनको सुनता है तो यकीनन उनका दीवाना हो जाता है। तेरे नादा जायका इंज सजना मेरी मां दे हाथ दे चावरगा। दिल लांते डालते हुए वहां से चली गई, लेकिन उन्होंने इस बात को ठान लिया कि एक दिन इतनी बड़ी स्टार बनूंगी कि यही लोग मुझे दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने गाना शुरू किया तो जजेस ने उनको ये कहकर रोक दिया कि आप गाने से ज्यादा अपनी अदाओं पर फोकस करती हैं, आप अदाएं ज्यादा दिखा रही हैं, आपकी आवाज में कुछ नहीं है। फिर इन्होंने कई एजेंसीज को ऑडिशंस भी दिए, कोई इनको बुलाकर घंटों इंतजार करवाता और कोई इनसे नाजायज मुतालबात करता, लेकिन काम मिलने की कोई सूरत नजर ना आती। लेकिन निमरा ने हिम्मत नहारी और अपनी स्ट्रगल जारी रखी और इस तरह से उनको छोटे मोटे शो से परफॉर्म करने की कॉल आने लग गई और वहां जाकर उन्होंने कई गाने गाए और आजकल वो एक मशहूर प्रोग्राम देशबुक के लिए एज अ सिंगर काम कर रही है और वहां से भी वो बहुत अच्छी सैलरी ले रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो निमरा जो 10 साल पहले पाकिस्तान आइडियल से रिजेक्ट कर दी गई थी, आज वो पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी गाना गाती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि किसी आम से ड्रामे के लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मशहूर ड्रामा दराड़ के लिए प्लेबैक सिंगिंग की
की थी और इनके साथ जो सिंगर थे वो भी खासे मशहूर यानी के बड़े सुपर हिट सिंगर हैं, साहिर अली बग्गा, उनके साथ मिलकर उन्होंने उस ड्रामे के लिए OST गाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े शो से रिजेक्ट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम बनाकर दिखाया। पाकिस्तान आइडल से मारिया मीर को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो भी हिम्मत ना हारी और उन्होंने भी अपना नाम बनाकर दिखाया। चले आइए जरा उनकी कहानी भी सुनते हैं। इस शो के जजेस थे अली अजमत, हदीका क्यानी और बुशरा अंसारी। अब बहुत से लोगों को इतराज था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए कोई और बड़े सिंगर होने चाहिए थे, लेकिन खैर प्रोड्यूसर्स ने इन्हीं का इंतहाब किया। इस शो पर जजेस ने काफी लोगों का मजाक भी उड़ाया और काफी लोगों को जलील भी किया। इनमें से ज्यादातर की आवाज अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक लड़की जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, इसको न जाने क्यों इन्होंने बेइज्जत भी किया और शो से निकाल भी दिया। कुछ लोगों का कहना था चूंकि वो लड़की बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और दिखने में बहुत ही सादा और मासूम लगती थी, जिस वजह से जजेस ने उसको ज्यादा सीरियस ना लिया। खैर वो लड़की मारिया मीर बहुत दुखी और मायूस होकर वापस घर चली गई, लेकिन जब ये शो ऑन एयर हुआ और पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अमानत अली, जो इंडिया में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, इन्होंने ये ऑडिशन देखा तो इनको लगा कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है और इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और फिर इन्होंने इसको कांटेक्ट किया और इसकी एक बड़े भाई की तरह सरपरस्ती की और इसको बहुत ग्रूम किया और इसके साथ कई गाने गाए, और आज वो लड़की मारिया मीर एक बहुत बड़ी स्टार है, जिसको जजेस ने एक पेंडू और बेकार समझ के रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में ही क्यों वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों मेरी ज़िंदगी ज़ाहिर है इन्हीं लोगों के साथ गुजरी है, तो मैं इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानता हूं और मैं इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से पता कर लेता हूं। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मेहनत करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो कामयाब हो जाते हैं। मेरा बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप शोबिज़ ज्वाइन करें या फिर इन लोगों को फॉलो करें, मेरा बताने का मकसद ये होता है कि देखें ये वो लोग हैं जो बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ही मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इनके ख्वाब बड़े थे, इनकी कोशिशें ज़्यादा थी, इनकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत ज़्यादा थी और इन लोगों ने स्ट्रगल जारी रखी और इन लोगों ने स्ट्रगल जारी रखी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पैसा लगाने वाले लोग इनके पीछे पीछे, और वो चाहते थे कि ये लोग हमारे साथ काम करें, लेकिन अब चूंकि ये लोग बड़े स्टार बन चुके हैं तो ये लोग भी अपने नखरों में बहुत आ गए हैं, बहुत पैसा मांगते हैं, बहुत टाइम मांगते हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी काम करें, ये मत सोचें कि आप कामयाब होंगे या नहीं, आपका काम है मेहनत करना और दिल लगा कर मेहनत करना। एक दिन आएगा कि आप ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला मेहनत करने वाले को उसका सिला जरूर देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से, लेकिन देता जरूर है। ये याद रखें कि अल्लाह ऐसे लोगों को जरूर कामयाब करता है जिनकी नीयत अच्छी होती है और वो मसलसल मेहनत करते रहते हैं और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों की टांगे खींचने में नहीं लगे रहते। अल्लाह ऐसे लोगों को जरूर कामयाब करता है। अपनी मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप लोग भी अपनी फील्ड में जरूर कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।